आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Alternating voltage varies with time t as V is equal to 200 sin 100 pi t. So, हम लोग इसको अगर स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है हमारी जो V की उससे कंपेयर करें तो V is equal to V naught times sin omega t. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि V naught is equal to 200 volts and omega is equal to 100 pi. अब ये जो V naught होता है वही हमारा क्या होता है, पीक वोल्टेज। तो जो पीक वोल्टेज की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 200 वोल्ट्स। तो देयरफॉर ए तो करेक्ट हो गया हमारा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग को निकालना है आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू जो वी की होती है, वी आरएमएस कितनी होती है, पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रूट टू। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 200 बाय रूट टू इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 100 बाय रूट टू। ये हमारा कितना हो गया, 100 रूट टू वोल्ट्स। सो देयरफॉर हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज़। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। सो देयरफॉर 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। दिस इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू 250 पाई पाई कैंसिल। तो हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज़। सो देयरफॉर ए सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।